मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको जो सबट्रैक्शन सिखाए थे वो अबेकस के थ्रू सिखाए थे। आज हम सबट्रैक्शन करने जा रहे हैं, वो है सबट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम अ नंबर। जो सबट्रैक्शन करेंगे हम, अगर किसी नंबर में से अगर हम किसी भी मतलब जीरो लेस करते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर वर फोर कैंडीज, यहाँ पर कैंडीज दी हुई है, काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितनी कैंडीज दी हुई है बेटे यहाँ पर, 4 कैंडीज। नो वन एट एनी मीन्स हमने इसमें से एक भी कैंडीज नहीं खाई। देखिए स्टूडेंट्स जैसे आपके पास 4 कैंडीज दी हुई हैं जिसमें से आपने एक भी कैंडीज नहीं खाई, मीन्स आपके पास जब आपने कोई भी कैंडीज खाई नहीं है तो इसका मतलब आपके पास वही सेम कैंडीज आपके पास रहेंगी। तो ऐसे यहाँ पर भी 4 कैंडीज दी हुई है, इसमें से आपने एक भी कैंडी नहीं खाई तो आपके पास कितनी कैंडीज बचेंगी, तो द 4 कैंडीज आर स्टिल लेफ्ट। मीन्स हम जब 4 में से जीरो कैंडीज, मीन्स हमने जब एक भी कैंडीज नहीं खाई तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो। तो 4 में से जब हमने कैंडीज नहीं खाई तो वो क्या कितनी बचेगी कैंडीज, 4 की 4 हमें वापस मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स व्हेन वी सबट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर वी गेट द सेम नंबर। स्टूडेंट जब हम किसी भी डिजिट में से जब हम जीरो लेस करते हैं, मीन्स जीरो मीन्स कोई भी लेस नहीं करते हैं तो क्या आता है, वी गेट द सेम नंबर, हमें वही डिजिट वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अ नंबर। अगर हम किसी भी डिजिट में से कोई भी नंबर लेस करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है, तो देखिए देयर वर 5 एप्पल्स, यहाँ पर कितने एप्पल्स दिए हुए हैं, 5 1 2 3 4 5। रमन एट वन एप्पल, रमन ने उसमें से 1 एप्पल खा लिया, मीन्स एक एप्पल हमारा कम हो गया, तो हमारे पास कितने एप्पल्स बचे, सो 4 एप्पल्स आर लेफ्ट। कैसे, 1 2 3 4, 5 एप्पल्स थे हमारे पास जिसमें से हमने 1 खा लिया, रमन ने जो खा लिया, तो उसके बाद हमारे पास कितने एप्पल्स बचे, 4 1 2 3 4, मीन्स 5 में से जब हमने 1 एप्पल खा लिया, मीन्स 5 में से जब हम 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 4। ओके स्टूडेंट्स व्हेन वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम किसी भी डिजिट में से कोई भी नंबर लेस करते हैं तो वी गेट द नंबर जस्ट बिफोर इट, तो जो डिजिट दी हुई है उसके हमारा पहले वाला जो बिफोर वाला जो नंबर है वही नंबर वापस आता है। जैसे देखिए 5 से बिफोर क्या आता है, 4, तो जैसे हमने 5 में से 1 लेस करा तो क्या आया, 4। व्हिच इज सबट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, बेटे इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे। यस राघव हैड 3 आइसक्रीम कप्स, राघव के पास कितने आइसक्रीम कप्स है, 3 1 2 3। यस ऑल द कप्स फेल ऑन द फ्लोर एंड ड्रॉप, जो ये तीनों आइसक्रीम कप्स हैं वो क्या हो गए, फ्लोर पे यानी जमीन पे गिर गए और वो टूट गए, मीन्स तीनों आइसक्रीम खराब हो गई हमारी। तो सो राघव है नो आइसक्रीम कप्स नाउ, अब राघव के पास कितनी आइसक्रीम बची, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों कप्स क्या हो गए, वो नीचे गिर गए, वो खराब हो गए। तो मीन्स जब हमारे पास 3 कप्स थे और हमारे पास तीनों ही कप्स हमने या तो खा लिए या फिर वो खराब हो गए, मीन्स वो नीचे गिर गए थे राघव के, तो उसके पास कितनी आइसक्रीम बची, एक भी नहीं ना, तो मीन्स 3 में से जब हमने 3 आइसक्रीम में से 3 आइसक्रीम तीनों लेफ्ट हो गई तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, मीन्स 0। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, यस व्हेन वी सबट्रैक्ट अ नंबर, जब किसी भी नंबर में से हम वही नंबर हम लेस करते हैं माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। स्टूडेंट्स को हम एक एग्जांपल से और समझेंगे, जैसे आपके पास 4 कैंडीज दी हुई है, ठीक है 1 2 3 4, आपने 4 की 4 कैंडीज ही खा ली, ठीक है, तो आपने 1 भी खा ली, 2 भी खा ली, 3 भी खा ली और 4 भी खा ली, तो आपके पास कितनी कैंडीज बची, एक भी नहीं बची ना, मीन्स 0, मीन्स आपने जैसे 4 में से जब आपने 4 कैंडीज को खा लिया, 4 में से 4 को आपने लेस करा तो आपके पास कितने कैंडीज बचे, 0 कैंडीज बचे, मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स आपको ये सबट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो इसकी जो एक्सरसाइज हुई है पेज नंबर 100 पे उसको आपको कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।